की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। बता दें आपको पंचकुला से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर भर्तियों में फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको जहां पर HPSC दफ्तर पहुंची है विजिलेंस की टीम। बड़ी खबर पंचकुला से, आरोपी अनिल नागर को लेकर विजिलेंस की टीम पहुंची है। HPSC में दस्तावेज खंगाल रही है विजिलेंस की टीम। तो बता दें ये बड़ी जानकारी, जहां पर HPSC दफ्तर पहुंची है विजिलेंस की टीम और अनिल नागर को लेकर। दरअसल HPSC की टीम कार्यालय पहुंची और HPSC में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। डेंटल सर्जन भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बता दें आपको HPSC के उप सचिव अनिल नागर को बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था फर्जीवाड़े में, और अब विजिलेंस की टीम मुख्यालय पहुंची है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। HPSC के पूर्व उप सचिव हैं अनिल नागर। भर्तियों में फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर HPSC दफ्तर पहुंची है विजिलेंस की टीम और साथ में आरोपी अनिल नागर को लेकर गई है, और HPSC कार्यालय में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी पंचकुला से, जहां पर HPSC कार्यालय पहुंची है विजिलेंस की टीम और साथ में HPSC के उप सचिव अनिल नागर आरोपी हैं फर्जीवाड़े में, उनको साथ लेकर गई है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पंचकुला से बड़ी जानकारी, जहां पर डेंटल सर्जन भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया था और विजिलेंस की ओर से कार्रवाई करते हुए उप सचिव HPSC के अनिल नागर को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ मामले में दो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी और लगातार विजिलेंस की ओर से मामले में जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज पंचकुला पहुंची है HPSC कार्यालय में विजिलेंस की टीम, साथ में अनिल नागर को ले गई है जो मामले में आरोपी हैं। पंचकुला से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां पर आरोपी अनिल नागर को लेकर विजिलेंस की टीम HPSC कार्यालय पहुंची है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी उमंग श्योरान पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमंग, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, जिस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े में विजिलेंस की ओर से कार्रवाई की गई थी, अनिल नागर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, अब HPSC कार्यालय पहुंची है विजिलेंस की टीम और साथ में अनिल नागर भी हैं, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है, और सबसे बड़ा सवाल, दस्तावेजों की खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी, इस वक्त हम पंचकुला हरियाणा आयोग के मुख्यालय के बाहर हैं। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाए अक्षय जहाँ पर इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर इस वक्त हरियाणा स्टेट बिजनेस की टीम जो है इस मुख्यालय के अंदर मौजूद है, साथ ही इसमें मुख्यालय हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं आलोक वर्मा, सचिव अन्य पदाधिकारी जो मौजूद हैं। यहाँ स्टेट बिजनेस ब्यूरो की टीम आज इस फर्जीवाड़े को लेकर, जो डेंटल सर्जन व अन्य भर्ती फर्जीवाड़ा जो सामने आया, करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला सामने आया है, इसमें मुख्य आरोपी SCS अधिकारी अनिल नागर जो की पूर्व उप सचिव रहे हैं इस आयोग के, उनके सहित अश्विनी और नवीन को लेकर यहाँ पहुंची, इन तीनों आरोपियों को लेकर यहाँ पर पहुंची है। लगातार दस्तावेजों को खंगालने में स्टेट बिजनेस ब्यूरो की टीम जुटी हुई है। इस वक्त जो एक बड़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जो अनिल नागर है इस मामले का मुख्य आरोपी, उसके पास से 24 HPSC अधिकारियों की एक लिस्ट उसकी पॉकेट से बरामद हुई है, उसके पर्स से बरामद हुई है वॉलेट, उसको लेकर भी जांच जो है बिजनेस ब्यूरो जो टीम है वो यहाँ पर कर रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जहां 4 दिन के विजिलेंस के रिमांड पर ये तीनों आरोपी थे, उसके बाद अब इन्हें बुधवार को जहां दोबारा से विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाना है, उससे पहले विजिलेंस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। आज इसी को लेकर HPSC के मुख्यालय में आज विजिलेंस की टीम पहुंची है। जी उमंग, अब कितनी देर से ये जांच पड़ताल की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तीन इस मामले में अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या और भी नाम सामने आए हैं? देखिए इस मामले में अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 HPSC अधिकारियों की लिस्ट जो है अनिल नागर के पास से बरामद की गई है। अब इन अधिकारियों किससे पैसे वसूले गए हैं या वसूले जाने थे,
या प्रक्रिया किस स्तर पर चल रही थी, कौन कौन लोग इस रैकेट में शामिल हैं और विभाग की तरफ से भी कौन कर्मचारी और अधिकारी इस पूरे गोल धंधे में शामिल है, उनको लेकर भी जांच की जा रही थी। उमंग, 24 HCS अधिकारियों का जिक्र आपने किया जिस पर्ची के जरिए ये नाम सामने आए हैं, सवाल यह है कि इन 24 HCS अधिकारियों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई है? आपका सवाल मुझ तक आप नहीं पहुंच पाए, आप अपना सवाल दोहराइए। सवाल यह है कि 24 HCS अधिकारियों का जिक्र आपने किया है, अब इस मामले में किस तरह से इन 24 HCS या इसके अलावा भी जो और लोग शामिल हैं, जो HCS अधिकारी हैं, उनकी भूमिका किस तरह से इस मामले में हो सकती है? देखिए, ये वो 24 HCS अधिकारी हैं जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है क्लियर किया है, मेंस की शायद तैयारी की, इससे संबंधित ये जो सूची है ये प्राप्त हुई है। हालांकि इस बारे में औपचारिक जानकारी अभी मिलने बाकी है कि इन लोगों की किस तरह की संलिप्तता है, उमंग एक सवाल और, इस मामले में कई दिनों से विजिलेंस की ओर से जांच की जा रही है, अगर बात की जाए विजिलेंस की जांच की तो वो क्या कुछ कहती है, कितनी कामयाबी विजिलेंस की टीम को अभी तक इस मामले में मिली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई हो विजिलेंस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए कामयाबी की अगर बात करें तो विजिलेंस टीम जो है स्टेट की, उसने अब तक इस मामले में करीब 3,60,00,000 रुपए की बरामदगी की है। कई आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके रिमांड के दौरान लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप, उनके कंप्यूटर के अलावा जो दस्तावेज है, ऑफिस कार्यालय है, घरों पे भी छापेमारी टीम द्वारा की जा रही है और लगातार इसमें अपने केस को मजबूत करने के लिए विजिलेंस की टीम लगी हुई है। जी उमंग एक सवाल और, बुधवार को आपने बताया कि जिस तरह से दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा इन आरोपियों को, तो विजिलेंस की ओर से क्या कुछ मांग आगे की जा सकती है अगर अभी की जांच को देखें तो? देखिए इस मामले में मैं आपको एक और बात साफ कर दूं कि जो अलग अलग आरोपी हैं इनकी रिमांड अवधि अलग अलग दिन समाप्त होगी। अगर नवीन की अश्विनी की बात करें, उन्हें मंगलवार को पेश किया जाएगा, जबकि जो HCS अधिकारी हैं अनिल नागर, उन्हें बुधवार को पेश किया जाएगा और उसके बाद ही औपचारिक तौर पर विजिलेंस की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी कि क्या उपलब्धि या क्या सफलता उन्हें इस रिमांड अवधि के दौरान जानकारी के रूप में प्राप्त हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया उमंग इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको एक बड़ी जानकारी, जहां पर HPSC कार्यालय पहुंची है विजिलेंस की टीम और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और आगे बढ़